डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं लाइट के रिफ्लेक्शन होने के। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, तो जो भी लाइट रेज, ठीक है, इस मिरर पर पड़ेगी, उस लाइट को बोलेंगे, लाइट रे को बोलेंगे इंसाइडेंट रे। इंसाइडेंट रे क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। द रे ऑफ विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब जो सरफेस पर गिरेगी, फॉल्स मतलब गिरेगी सरफेस पर, उसे बोलेंगे इंसाइडेंट रे। और जिस पॉइंट पर गिरेगी उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जब वो गिरेगी तो हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्ट होगी किसी भी डायरेक्शन में हो, तो वो चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी रे उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अभी एक चीज़ और रह गई है, वो है गए नॉर्मल। देखिए जो नॉर्मल होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ होती है, उसको बोलते हैं दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं, उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कौन सी रे कौन सी होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इंसिडेंस रे कौन सी होती है, विच फॉल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, जो मिरर के द्वारा भेजी जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन एट द राइट एंगल ऑन द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस पॉइंट पर 90 डिग्री पर राइट एंगल पर जो लाइन ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। जो एंगल बनेगा नॉर्मल एंड द इंसाइडेंट रे के बीच में उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसाइडेंस, और जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले हमें ये बातें पता होनी चाहिए थी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लॉस की तरफ। द लाइन या द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसाइडेंट रे, विच रिफ्रैक्ट इज कॉल्ड चीटा आ गया रिफ्रैक्टेड रे, एंड द लाइन विच ड्रॉ ऑन द पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस एट द राइट एंगल इज कॉल्ड द नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसाइडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसाइडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉस की। फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए फर्स्ट लॉ ये है कि इंसाइडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। मतलब जो इंसाइडेंस रे है नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट है, ठीक है। ये सभी एक ही प्लेन पे काम कर रही हैं, जो कि हम आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसाइडेंस, एंगल ऑफ इंसाइडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ओके। इस तरह देर आर द टू टाइप्स, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इंसाइडेंस रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस,
all lie on the same plane. मतलब यही है सब. Angle of incidence, angle of reflection are equal. ठीक है, इस तरह हमने क्लियर किया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज एंड लेटरल इन्वर्शन.